So let's start, I think, our first movie with Akshay sir, with the Khiladi himself. And aap leke aa rahe Lakshmi Bomb, which is massively awaited. I've heard a lot about this film. Akshay sir, maine kuch gaane bhi sune. Please, aap iske baare mein kuch kahenge aap. और सबसे पहले तो मैं आपके साथ लक्ष्मी बॉम्ब का एक पोस्टर शेयर करना चाहूंगा, अगर वो पोस्टर दिखाएं। Wow. It looks tremendous. या एक और पोस्टर है, वो मेरे पास है इस वक्त, वो भी मैं दिखा दूं वरुण? हाँ कर दो सर, लीक करने में बड़ा मजा। ओह वाओ वाओ, दैट लुक्स अमेजिंग। So, I think ये जो फिल्म है मेरे फेवरेट जॉनर है, हॉरर कॉमेडी। मैंने ऐसी फिल्म एक भूल भुलैया की थी पहले, ये कहानी मैंने कई सालों पहले सुनी थी और हमेशा मैं इसे बनाना चाहता था। इट्स लाइक माय पैशन प्रोजेक्ट, बट किसी ना किसी कारण ये हमेशा कोई ना कोई कारण से डिले होती रही। इवेंचुअली एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस एंड हियर वी आर। और इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं शबीना खान को और तुषार कपूर को देना चाहता हूँ, जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं साथ में। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू से अ बिग बिग थैंक यू टू लॉरेंस सर, जो हमारे डायरेक्टर हैं इस फिल्म के। एंड दैट्स इट। आपकी थर्ड फिल्म है कियारा के साथ, वन फिल्म यू प्रोड्यूस्ड विद हर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या आई प्रोड्यूस्ड विद हर वन फिल्म, बहुत पहले बिगनिंग में, फगली। एंड मेरी ये एग्जैक्टली दूसरी कौन सी, गुड न्यूज मेरे साथ नहीं थी ना, वो मेरे साथ करीना थी। आपके अगल बगल में तो थी ना सर? हाँ नहीं बिल्कुल। एंड एक्चुअली वो आई वॉन्टेड हर टू कम इन दिस, मैं चाहता था कि वो आए, बट अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट मेक इट। तो वो दूर रहती है होली में? नहीं लेकिन दूर तो बहुत रहती है। लक्ष्मी बॉम्ब में पहली बार साड़ी पहनी है, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? इन वन वर्ड, ग्रेसफुल, वेरी ग्रेसफुल। आई थिंक इट इज द मोस्ट ग्रेसफुल आउटफिट इन द वर्ल्ड। और कमाल की बात यह है कि दिस लवली गारमेंट फिट्स ऑल साइजेस। मैं कहूँगा हम अपने रोज की लाइफ में कितनी औरतों को देखते हैं जो साड़ी पहनते हैं और भागकर ट्रेन पकड़ लेती हैं, कभी बस पकड़ लेती हैं, घर के काम में, ऑफिस के काम कर रही हैं, लेकिन मजाल है कि उनका पल्लू एक इंच इधर से उधर हो जाए। मैं कहता हूँ मेरे लिए तो साड़ी पहनना अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस था। सच में साड़ी संभालना बहुत ही मुश्किल है। शूट के पहले एक दो दिन तो बार बार मेरी जो साड़ी है वो उतर जाती थी। अगर साड़ी में डांस करना या फाइट करना तो वो तो दूर की बात थी। स्टार्ट में तो साड़ी में मैं मेरे लिए तो चलना भी मुश्किल हो गया था साड़ी पहन के। वो तो हमारे जो स्टाइलिस्ट थे वो हर शॉट के बीच में आके, मतलब बीच में नहीं, मतलब शॉट खत्म होने के बाद आके संभाल लेते थे, वरना बड़ी दिक्कत होती। बट सीरियसली हैट्स ऑफ टू हाउ वेल वुमेन मैनेज इट। इनफैक्ट आई वुड इवन से दैट इफ you truly want to appreciate the process, you guys should try one on yourself. Ajay sir, aapne to Akshay sir ke sath kaam bhi bahut kiya hai itne saalon se. How do you think he's looking in a sari, or are you looking forward to seeing him in a sari? Tricky question. I think I can't say he's looking hot. Is he looking hot, Akshay? ਅਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਲੋਕ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਦ ਫਿਲਮ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ, ਆਈ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਨ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਿੰਸ ਕੁਆਈਟ ਸਮ ਇਅਰਸ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਫੈਬਿਲਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਫੈਬਿਲਸ ਰੋਲ ਟੂ ਡੂ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਦ ਸਾਰੀ ਆਫ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਵਟਐਵਰ ਆਈਵ ਸੀਨ। Akshay sir, playing a transgender character first time must be very, very challenging, and it's not. So, how was that experience of playing a character like that? This question is coming for you, Akshay sir. मेरे 30 साल के करियर में ये मेरा सबसे mentally intensive role रहा है. It's kind of tough. I've never experienced before.
And the credit for it, I would say, goes to my director, Lawrence, sir. He introduced me to a version of me that I didn't know even existed. I mean, ये मेरे कोई भी दूसरे किरदार से की तरह बिल्कुल नहीं है. इसका बोलना चलना एक्शन रिएक्शन मैंने कभी पोर्ट्रेट नहीं किया. और मुझे ध्यान रखना था कि मैं ये कैरेक्टर पूरी ईमानदारी के साथ पोर्ट्रेट करूं, बिना किसी कम्युनिटी को अफेंड करे. अपने करियर में मैं पहली बार मैंने विलिंगली इतने टेक्स और रीटेक्स दिए हैं. अमूमन इतना नहीं करता हूं जितना इसमें किया है, ताकि हर एक शॉट उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक उसको कैप्चर रखूं. मैं करीबन 150 फिल्में करने के बाद भी आई वाज जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन सेट एवरी सिंगल डे, पुशिंग माय बाउंड्रीज, लर्निंग मोर अबाउट मायसेल्फ. और लर्निंग से याद आया कि मैं ये कहूंगा कि दिस फिल्म हैज टॉट मी टू बी इवन मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी. बी एनीथिंग यू वांट, बट जस्ट डोंट बी इग्नोरेंट. काइंडनेस इज द की टू यूनिवर्सल पीस टुडे एंड विल ऑलवेज बी. Well said. Very well said. You know, another thing, jo mujhe actually ek question is about during this time. Obviously, it's difficult for everyone, but kyunki abhi digital cinema aa gaya hai, you can do shows, you can do movies online. Especially for Ajay sir and Akshay sir, since you're producers and actors, and Ajay sir is a director. How do you think people should you know, move ahead, keeping that in mind, newer talent or just talent in generally in the industry and people coming in, do they need to have a different mindset when they're approaching this? When you compare it to theatrical releases, when you're thinking of the OTT platform, how should people prepare themselves of making content for them? We should not see any kind of thing. We should just do it. I mean, it doesn't matter. It is there's not much of a difference. It is just same. I'm saying just have to keep on doing it. That's it. Akshay sir, now coming to a very important question right now is that, do you think ki jo hamari jo janta hai, the audience, they're missing the magic of first day first show? First day first show ka jo maza hai, jaise mujhe aaj bhi yaad hai jab maine aapki film dekhi thi theater mein, Chandan cinema mein jaake dekha tha, jab aapne Undertaker ko aise utha liya tha. And I remember that magic jab main baitha tha. स्टॉल में बैठ के मतलब पूरी पब्लिक पागल हो गई थी सीइंग यू. सो दैट एक्सपीरियंस. तो अब जब ये पैंडेमिक आया, तो व्हाट कैन फैंस एक्सपेक्ट नाउ? या आई एम वरुण, आई एम श्योर ऑब्वियसली दैट मिस कर रहे होंगे वो लोग. मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था, मैं मेरी बहन और मेरे माँ बाप हर सैटरडे को सायन में एक थिएटर होता था, रूपम थिएटर, वहां हम पिक्चर देखने जाया करते थे हर सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को मेरे पिताजी का हाफ डे होता था. अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन थिएटर में फिल्म देखने का बहुत शौक था, बहुत पसंद था. इट वॉज अ कंपल्सरी थिंग. आप मानोगे नहीं वरुण, लेकिन सैटरडे में हम खाना नहीं खाते थे पूरा दिन, क्योंकि हमें टिकट खरीदना है उन पैसों से, हमने एक गुरु कृपा का समोसा खरीदना है और एक मैंगो स्टिक खरीदना है. सबको एक एक मिलता था और ये होता था कि ये होता था हमारा परफेक्ट सैटरडे. मैं कहता हूँ याद ही नहीं रहता था कि हमने खाना नहीं खाया, बिल्कुल याद नहीं रहता था. बस सैटरडे आए तो मजा आने वाला है. तो मैं समझ सकता हूँ कि ऑडियंस का क्या महसूस कर रहे होंगे, कितना मिस कर रहे होंगे ये आउटिंग और अपने फेवरेट हीरोज को देखना बड़े पर्दे पर. और इसीलिए आई वुड जस्ट से आई वांट टू थैंक ऑल माय फैंस एंड सिनेमा गोज हु गो एंड वॉच एवरी एक्टर्स फिल्म. इट्स एन अमेजिंग थिंग. तो अभी अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अक्षय सर, द फैंस, अभी जब ये पैंडेमिक ऑन है अभी के लिए, तो व्हाट शुड द फैंस एक्सपेक्ट टू थिंक, व्हाट कैन बी काइंड ऑफ द न्यू नॉर्मल, व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग विल बी अभी, मतलब उनका मनोरंजन अभी कैसे होगा अभी के टाइम पे मैं ये कहूंगा, मैं हमेशा से मानता हूं कि जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे एक्सेप्ट करें, उसे बदलना चाहिए. फैंस अभी भी मूवीज का फर्स्ट डे फर्स्ट शो थ्रिल एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आप अपने परिवार, दोस्तों, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ वर्चुअल मूवी डेट बुक करो, पॉपकॉर्न बनाओ और मस्त में अपने लिविंग रूम पे काउच के ऊपर जाके बैठ के जाके पिक्चर देखो. और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इसके लिए शो टाइमिंग
आपके अपने खुद के होंगे, इंटरवल आपका अपना खुद का होगा, खाना आपके पसंद का होगा, तो और क्या, बच्चे की जान लोगे और क्या, पड़ोसियों के बच्चे खा जाओगे, और कितनी क्या क्या चीज चाहिए आपको, सब कुछ तो मिल रहा है। वेरी वेरी वेल सेड अक्षय सर, वेरी वैलिड पॉइंट यू मेड ओवर देयर। सर आपने घर पे क्या किया लॉकडाउन में? आई वांट टू नो हाउ डिड यू मैनेज टू जस्ट स्टे एट होम, बिकॉज़ आई नो दैट यू आर समवन हु इज ऑलवेज केप्ट बिजी। वरुण, 30 साल के करियर में मैं पहली बार इतने समय तक घर पे रहा हूँ, और तू तो अच्छी तरह जानता है कि इतने समय में तो तेरे पिताजी और मैं करीबन 2 या 3 फिल्में तो बना ही लेते। नो कंप्लेंट्स, ये जिंदगी भी ठीक है यार, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी भी ना मिलेगी दोबारा। मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंजॉय योरसेल्फ व्हाइल इट लास्ट। वेरी वेल सेड अक्षय सर, यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। अक्षय सर, मुझे कुछ अंदाजा मिला है कि आपने 3 महीने कैसे गुजारे। आई हियर दैट यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर मॉम एट नाइट, यू प्ले कार्ड्स विद हर, आई हियर कि आप लूडो बहुत खेलते हो ऑनलाइन, मुझे पता है आप किस किस के साथ भी खेलते हो और जीतते भी हो हमेशा, तो आपने एक्चुअली क्या क्या किया है और किस किस के साथ खेला है? देखो सब बात पता ही है, तो तेरे को पता है दिहाड़ी बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। दिहाड़ी मतलब पता है ना तेरे को? हाँ सर, मैं बोलूंगा नहीं मगर। अरे दिहाड़ी मतलब काम करना, कुछ बोलूंगा नहीं मतलब, कोई गलत नहीं बोला बेटे। हाँ, फैमिली के साथ बहुत सारी फिल्में देखी है मैंने, वेब सीरीज देखी है, जब बिल्कुल सही कहा, माँ के साथ ताश खेला है, बीवी के साथ मोनोपोली खेली है, बेटी के साथ लॉक एंड की, हाइड एंड सीक खेला है, बेटे के साथ थोड़ी कुकिंग और बेकिंग की है। इस सब के बीच में मैंने काम भी किया है, जैसे कि मैंने एक वर्चुअल कॉन्सर्ट होस्ट किया है, जैसे तू कर रहा है इस वक्त, दिहाड़ी जैसे कहते हैं। दिहाड़ी बन गया हूं मैं सर, आपको देखते। अबे दाढ़ी नहीं, दिहाड़ी बोलते हैं उसको। दिहाड़ी दाढ़ी भी बना लिया। घर पर थोड़े वीडियो शूट कर लिए, 2 गाने रिलीज कर लिए, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, स्क्रिप्ट नरेशन कर लिया, थोड़ा बहुत एड्स बना लिया घर पे बैठ के, बस थोड़े बहुत पैसे कमाने लग गया, बस और क्या, यूजुअल स्टफ। जैसे कि मैंने कहा कि आप इंस्पिरेशन हो हम सब के लिए, ये सारे फिल्में जो है दे आर गोना बी ऑन द डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप, एंड हाउ डू यू फील अबाउट दैट? मतलब आपकी सारे फिल्में पहली बार रिलीजिंग ऑन डिजिटल, सो हाउ डू यू फील अबाउट द प्लेटफॉर्म एंड जस्ट लॉन्चिंग योर फिल्म्स देयर? एनीवन कैन आंसर दैट। सच बोलूं तो आज मैं एक्साइटेड हूं इस प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन हाँ ये भी साथ में कहूंगा कि थोड़ा सैड भी हूँ थिएटर्स के लिए। आफ्टर ऑल मूवीज जो है वो थिएटर्स की फर्स्ट बर्थ राइट है, लेकिन करंट सिचुएशन में आपकी, हमारी सबकी सेफ्टी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज के समय में जब थिएटर्स बंद है और लोग घर पे बैठकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मूवीज देख रहे हैं, अगर मैं अपने फैंस और ऑडियंस को खुश कर सकता हूँ अपनी फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर दिखाकर, जो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे लोगों को मेरी फिल्म देखने का मौका मिलेगा, तो मुझे उस बात की बहुत बेहद खुशी है। एंड दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई थिंक। वेरी वेल सेड अक्षय सर, एक एक्टर बस इसीलिए काम करता है क्योंकि उसके दिल में एक एहसास होता है कि उसे लोगों का मनोरंजन करना है, देयर इज नो अदर फीलिंग। कभी भी और कुछ एक आर्टिस्ट के दिल में या दिमाग में नहीं आता है, हमें बस ऑडियंस को खुश रखना है, उनका मनोरंजन करना है, एक ऐसी फीलिंग देनी है कि जब वो अपने फैमिली के साथ जाए वो खुश होके घर जाए, या भी घर पे रहे तो खुश रहे, एक थोड़ा सा रिलीफ दे दे हम उन्हें। तो आई थिंक दिस ऐप इज कमिंग विद दैट, कि हम लोग थोड़ी सी खुशी दे सकते हैं उन्हें हमारे पिक्चर दिखा के। एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आवर इंडस्ट्री इज एक्चुअली टेकिंग दिस स्टेप फॉरवर्ड एंड डूइंग दैट।